अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो हमारे यहाँ हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी, लेकिन आज मौसम ने दे दिया धोखा। सुबह से हो गए थे बहुत अच्छे बादल और साथ में हो रही थी हल्की हल्की बारिश, तो मौसम को देखते हुए आज मैंने नाश्ते में बनाए आलू के पराठे। लेकिन जैसे ही हम नाश्ता करके फारिग हुए तो फिर से धूप वापस आ गई और गर्मी बहुत ज्यादा हो गई। खैर, आलू के पराठे हमने एंजॉय करे अच्छी तरह से, क्योंकि उस वक्त मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बादल हो रहे थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मौसम को देखते हुए मैंने सोचा कि आज बहुत टाइम के बाद आलू के पराठे बनाए, क्योंकि बारिश में ही आलू की कचौरी, पराठे, ये सब सारी चीजें अच्छी लगती हैं। तो मैंने आलू में बहुत बेसिक से मसाले ऐड कर लिए हैं। पहले आलूओं को बॉईल कर लिया था, फिर नमक, मिर्च, खटाई और मैं थोड़ी सी सौंफ का पाउडर भी डालती हूँ। वो डाल के मैंने इसकी स्टफिंग तैयार कर ली थी और इनको बना लिया था। अच्छा, कभी मैं पराठे बनाती हूँ इस तरह से, एक पेड़े के अंदर ही स्टफिंग भर के आलू की फिर पराठे बनाती हूँ। और कभी कभी बनाती हूँ मैं दो छोटे छोटे पेड़े लेकर उनकी छोटी छोटी रोटी बनाती हूँ, उसमें आलू की स्टफिंग रखती हूँ और उसको बेलकर एक बड़ा सा पराठा बना लेती हूँ। तो ये जो डबल लेयर वाला होता है ये बहुत ही इजी होता है और ये बहुत ही अच्छे उसमें एक से पराठे बन जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत होती है क्योंकि इसमें दो रोटी बेलनी होती है। आसान ये वाले होते हैं, सिंगल पराठे वाले, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो सिंगल वाले ही बनाते हैं, डबल लेयर वाले ये उनका काम होता है जिनसे पराठे बन नहीं पाते हैं या जहां का ट्रेडिशन होगा। लेकिन हमारे यहाँ के जो मेन पराठे होते हैं वो ऐसे सिंगल वाले होते हैं। तो इसको खाया था चटनी के साथ, दही के साथ। अच्छा, अब मैं कर रही हूँ बकरीद के हवाले से सफाई, बकरीद आने वाली है तो सोचा कि ये जो बहुत जरूरी काम है ये कर लूँ। तो किचन क्लीनिंग तो डेली बेसिस पर होती रहती है, लेकिन आज मैंने करी थी डीप क्लीनिंग, तो उसमें मैंने आज चिमनी को साफ करा था। चिमनी बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी, तो इसकी डिटेल वीडियो कि कैसे चिमनी क्लीन करते हैं मैं अपने वीडियो सॉरी चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो मैं इसको क्लीन करती हूँ कास्टिक सोडा से, उससे बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी ये साफ हो जाती। जितनी ये गंदी हो रही थी मैं बस कर नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, उतनी ही आसानी से ये कास्टिक सोडा की हेल्प से साफ हो गई थी। देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी जो फिल्टर है वो भी क्लीन हो गए हैं, जो इसकी ट्रे है वो भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई। इसमें इतना ज्यादा तेल और चिकनाई निकली थी। अच्छा, ऐसे ही मैं चिमनी क्लीन करके निकली तो मेरा कोरियर आ गया था। तो मैंने क्या ऑर्डर करा है मैं आपको दिखाती हूँ। आप सोचेंगे कि स्पोर्ट फैन का मुझे क्या काम है, मुझे स्पोर्ट फैन का कोई काम नहीं है। मैंने ये लिया है किचन के लिए, जब मैं कुकिंग करती हूँ तो इसको अपने एज अ नेक बैंड में यूज कर लूंगी। लेकिन वैसे तो किचन में पंखा है, ऊपर सीलिंग फैन है, पंखा चलाती भी हूँ, लेकिन जब मैं गैस पे कुकिंग करती हूँ तो गैस बंद हो जाती है हवा से, तो उसकी वजह से मुझे फैन बंद करना पड़ता है। तो ये अब गर्दन में रहेगा और ठंडी ठंडी हवा लगती रहेगी। अच्छा, लगे हाथ आज मैंने फ्रिज भी साफ कर लिया था, क्योंकि बकरीद से पहले फ्रिज साफ करना तो बहुत ही जरूरी होता है। तो पहले मैंने फ्रिज को बिल्कुल खाली कर लिया था। मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग ऐसे ही करती हूँ, फ्रिज को बिल्कुल खाली करती हूँ और उसमें जो साइड में जितने भी इसमें अटैचमेंट होते हैं, जितनी भी ये रैक्स वगैरह होती हैं, इनको निकाल कर मैंने अलग से सिंक में वॉश कर लिया था और अब इनको मैं सुखाने के लिए रख दूंगी। तो अब मैंने फ्रिज को बहुत अच्छी तरह से साफ करा है, मैंने इसको सिंपल विम लिक्विड से साफ करा है और उसको मैंने पाइप से प्रेशर दे दे के इसको बिल्कुल कोने कोने अच्छी तरह से चमका दिए थे। अब ये फ्रिज हो गया है बिल्कुल साफ, अभी मैं इसमें इसको ड्राई करूंगी, उसके बाद इसमें जो सामान है वो उसको अरेंज कर दूंगी। तो मैंने फ्रिज को अपनी जगह से हटाकर यहाँ पर क्लीनिंग करी थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे पाइप से क्लीनिंग करनी है, बहुत ज्यादा पानी पानी हो जाता है, तो मैंने फ्रिज को आगे कर लिया था। अब फ्रिज हो गया है साफ और मैंने इसको अपनी जगह पर सेट कर दिया है और इसमें सारा सामान रख दिया है। तो अभी ग्रोसरी और सब्जी वगैरह नहीं आई थी इसमें, सब्जियां भी बहुत कम है और कोई जूस वगैरह भी नहीं रखा हुआ, क्योंकि अब मैंने इसीलिए फ्रिज की सफाई करी थी कि अभी सामान कम है तो आसानी से फ्रिज साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ सोया सॉस है, कुछ मेयोनीज वगैरह है, आबी जमजम रखा है, खजूर रखी है, ब्रेड वगैरह है और यहाँ पे रखा हुआ है दूध, ऑलिव्स यानी जैतून और गूंधा हुआ आटा, जिसके मैंने पराठे बनाए थे उसका बचा हुआ ये आटा है, थोड़ी सब्जी है। तो जिसको जैसे जैसे जरूरत होती है अपने हिसाब से सब अपना फ्रिज अरेंज करते हैं, अच्छी तरह से सेट करते हैं। ये वही वाला मुरब्बा है जो जिसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, पीछे रखी हुई है सौंठ, और ये जो रेक्टेंगल डिब्बे हैं इसमें रखे रहते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरह से फ्रिज हो गया था बिल्कुल क्लीन, देखने में भी अच्छा लग रहा था और
ये मैंने फ्रीजर सेट कर दिया है। मैं जो मसाले होते हैं, जो पैकेट वाले मसाले होते हैं, वो मैं फ्रीजर में ही रखती हूँ, और पानी जल्दी ठंडा हो जाए इसलिए कुछ बॉटल्स मैं फ्रीजर में रखती हूँ। यहाँ पे रखा हुआ है कीमा, हरी मटर, और ये क्रीम है, जो व्हिपिंग क्रीम होती है वो रखी रहती है, तो मैं उसको किसी कंटेनर में ट्रांसफर करके फ्रीजर में रखती हूँ। तो इस तरह से फ्रिज भी हो गया था साफ। मेरे साथ तो यही होता है, मैं हमेशा क्लीनिंग की वीडियो में बताती हूँ कि जब मैं एक चीज क्लीन करती हूँ तो मेरी दूसरी पे नजर पड़ती है, और फिर तीसरी पे नजर पड़ती है, और इस तरह से मैं काम बढ़ाती चली जाती हूँ। ये है आलू प्याज लहसुन की बास्केट जो कि गंदी हो रही थी, तो मैं इसको ले आई थी खुली जगह में। वैसे तो किचन में रखी रहती है फ्रिज के बराबर। इसको मैंने अच्छी तरह से पानी के प्रेशर से साफ करा था, फिर मैं इसको रिन साबुन से साफ करूंगी। रिन साबुन से स्टील की चीज साफ करने से उसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है, और कोई ज्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है कि बहुत मैं अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट यूज करूं। मैं कुछ ही बेसिक सामान से ही सारी क्लीनिंग करती हूँ। तो अब ये हो गई थी साफ, और जब भी मैं इसमें आलू प्याज वगैरह रखती हूँ तो नीचे इसमें एक कोई शॉपर बैग लगा लेती हूँ, जिससे कि जो मिट्टी है या छिलके उसके नीचे ना गिरे। ये बची हुई प्याज थी, ये मैंने कार्टन में करके इसको रख दूंगी। तो बकरीद में प्याज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल रहता है। लंच में मैंने जल्दी से बना लिया था कोरमा, क्योंकि आज मैंने करी है क्लीनिंग बहुत ज्यादा, तो मैंने रोटी बनाई नहीं थी, रोटी आज मैंने मंगा ली थी, तो तंदूरी रोटी जो नान होते हैं वो मंगा लिए थे, और खाने में बनाया था मैंने ये सालन कोरमा। उसके बाद मैंने रेस्ट करा नमाज वमाज से फारिग होकर। मगरिब की नमाज के बाद फिर हम गए थे मार्केट, क्योंकि मुझे यहां से लेनी थी बेडशीट वगैरह। तो आज मैं गई बहुत पुराने मार्केट, जहां मेरे ख्याल से बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ गई हूँ। मैं इस मार्केट में बहुत ही कम जाती हूँ। ये है रसलगंज का एरिया, यहाँ पे सारी जितनी भी शॉप्स वगैरह होती हैं यहाँ पे थोक में सामान मिलता है, बल्क क्वांटिटी में सामान मिलता है, प्राइस भी रीजनेबल होते हैं। लेकिन सच बताऊँ, मुझे अपने एरिया में और यहाँ के एरिया में कोई प्राइस में डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन मैं हस्बैंड के कहने पर वहां चली गई थी। तो यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था, बेडशीट वगैरह, और साथ ही क्योंकि आज मैं यहाँ पुरानी जगह आई थी, तो आज मैं आई थी मैंगो शेक पीने उस जगह पर जहां हम बचपन में पापा के साथ आते थे। तो मुझे वो दुकान देखकर, ये है पंजाब मिल्क शेक सेंटर कुछ ऐसी इसका नाम है, तो यहाँ हम बचपन में आते थे, तो आज मैं यहाँ आई थी और मैंने मैंगो शेक पिया था। दुकान तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है, और शेक का जो टेस्ट है वो भी चेंज हो गया है, साइज भी चेंज हो गया है, ग्लास भी चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, यहाँ मैंने करी थी बकरीद के हवाले से कुछ बहुत जरूरी काम। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करती रहूं। दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय।